न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। खबर सतना से है, जहां 27 मई को दोपहर 12 बजे के लगभग शास्त्री चौक स्थित बी बंटू श्री गौरी जेवर वाला में दो महिलाएं ज्वेलरी खरीदने के लिए आईं और ज्वेलरी दिखाने को कहा। दुकान का सेल्समैन उनको ज्वेलरी दिखा रहा था। इसी दौरान एक महिला ने प्लास्टिक के बॉक्स में रखा 6 नगरानी हार, 6 नगहार, नाक कान के गहने, सोने की जेवरात को अपने पर्स में रखकर चोरी कर चली गई, जिस पर अज्ञात महिला आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इस सनसनीखेज में एक बड़ी चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक महेंद्र सिंह चौहान के निर्देश में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक SM उपाध्याय के नेतृत्व में टीम बनाकर संपूर्ण घटनाक्रम के खुलासे की जिम्मेदारी दी गई थी, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में थाना कोतवाली व साइबर सेल की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था। टीम के सदस्यों द्वारा प्रार्थी सहित दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों से घटना वाग्जात आरोपियों के हुलिये के संबंध में विस्तृत से पूछताछ की गई। टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज को देखा। शहर में लगे CCTV कैमरों के फुटेज प्राप्त किए गए, दोनों फुटेज का मिलान कर अज्ञात महिला आरोपियों के आने जाने वाले मार्गों को चिन्हित किया। CCTV फुटेज को देखकर यही लग रहा था कि यह महिलाएं एकदम बेखौफ निडर होकर अपनी पहचान को किसी भी तरह से छुपाने का प्रयास नहीं कर रही थी, जिसको देखते हुए पुलिस को शंका हुई कि यह महिलाएं सतना शहर या आसपास की नहीं है। CCTV फुटेज को देखते हुए रेलवे स्टेशन तक पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर उस समय जो ट्रेन गई उन सभी ट्रेनों का पता किया गया, जिसमें पता लगा कि यह सभी ट्रेनें उत्तर प्रदेश के लिए गई हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि आरोपी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। इस जानकारी के बाद लगभग आधा दर्जन पुलिस टीम बनाई गई, जिन्हें अलग अलग जगह पर रवाना किया गया। इनकी पतासाजी के लिए प्रयागराज, जौनपुर, लखनऊ, कानपुर, मानिकपुर रवाना की गई। सभी पुलिस टीमों को हिदायत दी गई थी कि अपने विश्वसनीय मुखबिर को लगाएं और पता लगाएं कि महिलाएं कौन हो सकती हैं। तभी कानपुर भेजे जाने वाली थाना प्रभारी कोतवाली की नेतृत्व वाली टीम को उनको विश्वसनीय मुखबिर से एक महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी कि महिलाएं कानपुर की रहने वाली हैं। जानकारी पुख्ता होने पर कानपुर वाली टीम 3-4 दिन तक वहीं पर रहकर कैप लिया और लोकल पुलिस से समन्वय बनाए रखते हुए दोनों आरोपियों पुष्पा देवी उर्फ श्यामा देवी उर्फ शशि एवं बबली उर्फ अन्नू उर्फ वंदना सैनी एल को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ कर पकड़ लिया गया, पर पता चला कि यह तो वही महिलाएं हैं। पूछताछ में उन्होंने सारा राज उगल दिया। उन्होंने घटना करने का तरीका भी बताया है, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने तलाशी ली, जहां से चोरी का लगभग पूरा सामान मिल गया। पूछो पूछो जी सर, बताइए चोरी के विषय में बताइए। दिनांक 27 तारीख को थाना कोतवाली क्षेत्र में गौरी ज्वेलर्स है, वहां पर दो महिलाएं बहुत ही शातिराना तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देती हुई दिखाई दी थी। CCTV फुटेजेस, लोकल मुखबिरों की सूचना, इसके माध्यम से सतना पुलिस के द्वारा उन महिलाओं को जो है आज गिरफ्तार किया गया है। उनका नाम है पुष्पा देवी, जो कि कानपुर की रहने वाली है, बबली सैनी, वो भी कानपुर की, और उसके भाई बबलू सैनी को भी गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से करीब 470 ग्राम के जेवरात, जिनका अनुमानित कीमत 17,65,000 रुपये है, इसको बरामद करने में पुलिस को सफलता मिली है। आपराधिक रिकॉर्ड इनका निकाला गया तो ये पता चला कि ये अंतर्राज्यीय चोर गिरोह है। इनके ऊपर मुकदमे छत्तीसगढ़ से लेकर के उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कानपुर में भी दर्ज हैं। जो भी घटना होती है, पुलिस का प्रयास रहता है कि उसको जो है तत्काल डिटेक्ट किया जाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा, विद इन अ फ्यू डेज हमारी पुलिस टीम ने इसमें बेहतरीन काम किया है, और जो भी सामान गया था उस सामान को बरामद करने में अद्वितीय सफलता हासिल की। ये चोरी, ये जो आरोपी हैं, ये सभी कानपुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश जिले के, और वहाँ से इनको जो है पकड़ा गया है और माल भी बरामद किया गया है। एक सेकंड पीछे करो थोड़ा सा, रुक जाओ पहले पीछे करो।